देखिए, हमारे यहाँ एक माह जुलाई में शिकायत प्राप्त हुई थी कि हाईवे पर चलते हुए ट्रक से कटिंग की वारदात हुई है और कुछ मोबाइल फ़ोन के बॉक्स उसमें से गायब हैं, जिसको हमारी टीम तब से ही लगातार डेवलप कर रही थी और अभी हमको इसमें सफलता मिली है। इसमें हमने 50 से ज़्यादा मोबाइल बरामद किए हैं और जब हमने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तब भी एक वारदात करके ही लौट रहे थे, तो उस वारदात में भी जो इन्होंने बॉक्सेस, मेडिकल बॉक्सेस वहाँ से कट किए थे, उनको भी हमने जब्त किया है। और मैं वाहन के हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ और भी नाम हैं जिनकी तलाश में अभी हमारी टीम आगे काम कर रही है। लगभग 40 लाख रुपए का कुल मशरूका इसमें जब्ती है और हमारी DSP AJK के नेतृत्व में, थाना प्रभारी के नेतृत्व में और पूरी साइबर की टीम ने 5-6 महीने लगातार इस केस को डेवलप करके इसमें सफलता हासिल की है। हम टीम को पुरस्कृत करेंगे इसमें। सर, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे ये? देखिए, हाईवे पे चलते हुए ट्रक का पीछा करते थे और जब उनकी गति धीमी होती थी तो मौके का फ़ायदा उठा के, जैसा आप सामने देख सकते हैं हमारे पास कटर रखा हुआ है, ये उससे उसके ताले को काटते थे और बॉक्सेस को वहीं किनारे हाईवे पे ही डंप करते जाते थे, बाद में उसको ये कलेक्ट करते हैं। सर, आरोपी कहाँ के हैं? यह आरोपी मूलतः देवास ज़िले का है, जिसको कि हमने इंदौर के एक क्षेत्र से, जैसा मैंने कहा कि वारदात करके निकल रहे थे, तब हमने वहाँ से इनको हिरासत में लिया है। पहले भी कई घटनाओं को इस तरह का अंजाम दिया? पहले भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, हमने देवास ज़िले से प्राप्त किया है। इसके अलावा हम और भी देख रहे हैं दूसरे ज़िलों में इनके आपराधिक रिकॉर्ड, और जैसा मैंने कहा कि हमें कुछ और भी नाम, कुछ और भी इनके जो सहयोगी हैं वो सामने आए हैं, उनकी भी हम पतरसी में अभी लगे हुए हैं। सर, तो हुई थी कहाँ से? इसमें से जो मशरूका प्रथम दृष्टया हमको बरामद हुआ है वो हमने हमारे सामने है। इसके अलावा कुछ और, जैसा मैंने कहा कि लिंक्स हमें मिले हैं जहां पर इन्होंने सामान को बेचा है, उसको भी हम अभी आगे डेवलप कर रहे हैं। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।